मेरा नाम है दीपक सोनी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में आपके लिए क्या नया है लेके आया है उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम कुछ स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे भिलाई के। चलिए चलते हैं। हाँ तो भाई मैं पहुंच गया हूँ अपने आज के वीडियो लोकेशन, जिसका नाम है मामा भांजा चाट सेंटर। यहाँ पे आपको ना मैं स्पेशल भिलाई का सिविक सेंटर का आइटम बम चाट ट्राई करते हैं, और जो कि एकदम यूनिक डिश है, अपने सिविक सेंटर में मिलता है। तो चलिए चलते हैं अपना आइटम बम चाट लगाते हैं। उससे पहले मैं आपको दुकान बाहर से कैसा दिखता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मामा भांजा चाट सेंटर कुछ आपको ऐसा दिखता है। यहाँ हम ट्राई करने आए हैं अपना आइटम बम चाट। चलिए देखते हैं, यहाँ पर गुपचुप का भी ऑप्शन दिख रहा है मुझे। बाकी भैया से पूछते हैं कि कितने दिन से लगा रहे हैं शॉप और कैसा रिस्पॉन्स है कस्टमर का यहाँ के। यही है दुकान के ओनर। भैया सबसे पहले अपनी शॉप की एड्रेस बता दीजिए। सिविक सेंटर। सिविक सेंटर। और ये कितने साल हो गए आपके शॉप को लगाते हैं यहाँ पे सिविक सेंटर में? 40 साल हो गए। 40 साल हो गया। और साथ ही साथ आपके पास में क्या क्या स्पेशलिटी है आपकी? चाट है, भेल है, दही गुपचुप, आइटम बम। ठीक है, चलिए अपना आइटम बम चाट लगाते हैं और साथ में गुपचुप भी ट्राई करेंगे यहाँ का। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ आइटम बम चाट अपना बनता कैसे है। ये अपना है सबसे बड़े साइज का गुपचुप, और इसमें क्या क्या आएगा? चार पीस गुपचुप आएगा, एक पीस टिकिया, छोला, चटनी, दही वही डाल के। अच्छा, सब डाल के बनता है। मैंने गुपचुप के अंदर गुपचुप डाल के बनाया जाता है, यूनिक है। मैं भिलाई में रह के मैं इसको टेस्ट नहीं किया, तो मैं सोचा इसको भी टेस्ट किया जाए, अपने ब्लॉग में डाला जाए इसको भी। तो बस ट्राई करते हैं अपना सिविक सेंटर का स्ट्रीट फूड। छोले डलता है इसमें, इमली चटनी और दही। बहुत ही ज्यादा यूनिक डिश है ये। तो आपको एक ही जगह मिलेगा और साथ में और भी मिलते हैं अंदर में चौपाटी तरफ जाएंगे तो। पर अभी जो अपन ट्राई कर रहे हैं वो है मामा भांजा चाट सेंटर। चलिए अपना रेडी हो गया यहाँ पे एटम बम चाट, टेस्ट करके देखते हैं अपन एटम बम चाट बोलते हैं इसको। बड़े गुपचुप साइज में है, थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है खाने में, मैंने एक बार भी ट्राई नहीं किया है इसलिए, पर फिर भी टेस्ट करके देखते हैं। पहले अंदर का जो फीलिंग है ना उसको टेस्ट करके बता रहा हूँ कि कैसा लगता है अंदर में गुपचुप। बड़े गुपचुप के अंदर में स्मॉल गुपचुप है इसमें, बताओ। और साथ में आलू टिक्की है, कैसा टेस्ट दे रहा है देखता हूँ। यूनिक है यार, एक तरीके से बताऊँ ना तो जैसे आपने चाट खाया होगा ना कहीं पे, आपको चाट के साथ साथ दही गुपचुप का भी टेस्ट इसमें मिल रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही लगा मुझे जो मैं टेस्ट करके देख पा रहा हूँ। अंदर में आपको चार पाँच गुपचुप मिलता है, एक आलू टिक्की और साथ में मिर्च, दही।
तो इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप भिलाई से हैं तो कभी ना कभी आपने ट्राई किया होगा इसे, यूनिक है थोड़ा टेस्ट इसका। ये देखिए गुपचुप और साथ में चाट, और इसके अंदर जो फिलिंग है ना वो छोले का है, साथ में प्याज धनिया और छोले पका हुआ है, और बाहर का लेयर तो गुपचुप जैसा ही है सेम। तो इसी को बोलते हैं एटम बम चाट, क्योंकि इसमें आपको सारे फ्लेवर मिल जाते हैं चाट के, देख सकते हो आप लोग। शॉप के एड्रेस की बात करूं तो आपको श्रीनाथ पाव भाजी जो सेंटर है ना उसके बाजू में पड़ता है मामा भांजा चाट सेंटर। तो आप लोग भी आइए, टेस्ट करके देखिए आप लोगों को कैसा लगता है बताइए। इसके बाद मिलता हूं आपको मैं अपने दूसरे लोकेशन में वीडियो के, जो कि अपना सिविक सेंटर में ही है, स्ट्रीट फूड कॉर्नर। चलिए चलते हैं वहाँ। तो भाई मैं पहुंच गया हूं आज के अपने वीडियो के सेकंड लोकेशन पे, जो कि है भिलाई बिरयानी हाउस। भिलाई बिरयानी हाउस की बात करूं तो ये भी आपको सिविक सेंटर पे, तो जैसे कि मैंने बताया कि सिविक सेंटर का हम स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाले हैं तो ये भी उसमें इंक्लूड करता है। तो चलिए चलते हैं अंदर, बिरयानी टेस्ट करते हैं। भिलाई बिरयानी हाउस बाहर से कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूं। तो भिलाई बिरयानी हाउस बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, चलिए अंदर चलते हैं और अपना बिरयानी टेस्ट करते हैं, और यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या है यहाँ के मेन्यू में। हाँ तो भाई मैं आ गया हूँ बिरयानी हाउस के अंदर। बिरयानी हाउस के अंदर आपको सिटिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छा मिलता है, मतलब इतने छोटे से जगह पे ना इन लोगों ने ग्राउंड फ्लोर में भी सिटिंग अरेंजमेंट किया है, साथ में ऊपर भी किया है। तो सोचिए आप लोग कितना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ का, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप लोगों को इस टाइप का सिटिंग कैपेसिटी मिलता है बिरयानी हाउस के अंदर। ये अपना है फर्स्ट फ्लोर, और नीचे ग्राउंड फ्लोर में भी आपको मैं जैसे दिखा चुका हूँ सिटिंग कैपेसिटी यहाँ का, तो बहुत ही शानदार है। और चलिए आपको मैं यहाँ का मेन्यू दिखाता हूँ। अब इसके मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, देखिए मंचूरियन चिल्ली से लेके आपके पास में सारे ही मेन कोर्स तक ऑप्शन है, मैंने स्टार्टर से बोल सकते हैं आप, मेन कोर्स तक सारे ही आइटम आपको अवेलेबल है यहाँ पे, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और कबाब वगैरह के भी ऑप्शन है यहाँ पे, हरा भरा कबाब, पनीर टिक्का। हाँ मैं बताना भूल गया, वेज और नॉन वेज दोनों कैटेगरी में आपको यहाँ पे सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ में जो मैं यहाँ का जो ऑर्डर किया हूँ ना वो इनका है चिकन फ्राई बिरयानी, उसका टेस्ट कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा यूनिक है। भिलाई में रह के मेरा पहली बार विजिट है यहाँ पे, भिलाई बिरयानी हाउस इसका नाम है। साथ ही साथ में आपके पास सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा खासा 30-40 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट है। बाकी अपन आए हैं यहाँ का फूड रिव्यू देने, और साथ में देखते हैं कि यहाँ का बिरयानी का टेस्ट कैसा है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी यहाँ का बिरयानी ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं यहाँ ट्राई करूँगा और टेस्ट करके देखूँगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी आइए यहाँ पे। चलिए अपना बिरयानी आता है तो वो दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ हमारा चिकन बिरयानी लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं पीस इसमें रोस्ट है, और क्वांटिटी इतनी दी गई है हमें हाफ में कि आराम से एक बंदा खा लेगा। बाकी देखते हैं कि पीस किस टाइप का प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे आपको चिकन के पीस थोड़ा सा ग्रेवी टाइप में दिया गया है, इसका टेस्ट थोड़ा यूनिक आएगा मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा टैंगी टेस्ट आएगा, साथ में एक ऐसा लग रहा है कि मसाला चिकन टाइप में अपने को दिया गया है बिरयानी के साथ में। तो टेस्ट करके देखते हैं, भाई मुँह में पानी आ रहा है अब। बिरयानी हाउस का बिरयानी में थोड़ा सा यूनिक फ्लेवर तो मिला है हमें, क्योंकि यूनिक फ्लेवर इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये ग्रेवी वाले चिकन दिया जा रहा है यहाँ पे। चलिए टेस्ट करके देखते हैं, पहले इनका पीस ट्राई करता हूँ क्योंकि इनका पीस मेरे को ना अलग से अट्रैक्टिव लग रहा है, तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है इनका पीस। ये है इनका लेग पीस, टेस्ट करके देखते हैं। इनका पीस अट्रैक्टिव इसलिए लग रहा है मुझे क्योंकि इन्होंने ग्रेवी में अच्छे तरीके से उसको मसाला चिकन टाइप का बना दिया गया है, और ना इनके जो चिकन पीस में ना थोड़ा स्मोकी फ्लेवर है वो एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड कर रहा है। मुझे यहाँ के बिरयानी में दो पीस दिया गया है जो कि हाफ में क्वांटिटी इनफ है ना। तो चलिए अब इनका राइस टेस्ट करके देखते हैं। ये पहली बता दूँ मैं चिकन दम बिरयानी है, इनका राइस टेस्ट करके देखता हूँ।
जो इनका जो चिकन है ना उसमें जो इन्होंने ग्रेवी आइटम जो डाला है ना इसमें, वो थोड़ा सा यूनिक फ्लेवर ऐड कर रहा है इसमें। अब देखते हैं कि चिकन पका है कि नहीं। चिकन के पीस भी अच्छी तरीके से पके हुए हैं। और बिरयानी जो है, इनका जो राइस है ना, वो इन्होंने बासमती राइस यूज़ किया है। आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ये देखिए बासमती राइस है, ये अच्छी क्वालिटी का राइस यूज़ किया गया है। और कई जगह बिरयानी में डालडा यूज़ कर देते हैं, उस टाइप का मुझे तो लग नहीं रहा है कि डालडा उसमें यूज़ हुआ है, क्योंकि बिरयानी का टेस्ट अच्छा है और ज़्यादा भारी नहीं लग रहा। बिरयानी इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा आप लोगों को। तो भिलाई बिरयानी हाउस का बिरयानी का टेस्ट तो परफेक्ट है। इसी के हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ के सारे ही मेन्यू में जो भी वैरायटी है ना, उसके टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आप लोगों को अगर किसी ने विज़िट किया है तो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी के साथ आज हमने दो जगह एक्सप्लोर किया। पहला है मामा भांजा चाट सेंटर और दूसरा है अपना भिलाई बिरयानी हाउस। दोनों ही आजू बाजू में लगे हुए हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और भाई सपोर्ट करो भिलाई वालों, क्या कर रहे हो, जितने जल्दी सपोर्ट करोगे, भिलाई से बाहर भी तो जाना है हमें, जल्दी जल्दी सपोर्ट करो। चलिए बंद करते हैं आज का वीडियो।